नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का रियल फैक्ट। लगातार जो है महिलाएं और पुरुष जो डेरा सच्चा सौदा जाते रहे हैं कई वर्षों से, वहाँ मानवता भलाई के कार्य करते रहे हैं या वहाँ पढ़ते रहे हैं या किसी न किसी रूप से वहाँ पर जो है जाते रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार और यही अपील करते हैं। डेरा सच्चा सौदा में हमने कभी कुछ गलत होते हुए नहीं देखा, ना ही हमारे साथ कुछ गलत होते हुए देखा मतलब हुआ है। तो एक तरीके से जो मीडिया है, कहा जाए तो वो देशद्रोह का कार्य नहीं कर रही, क्योंकि इतने बड़े संत पे जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जो मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं देश के लिए, उनको रोकने का कार्य एक देशद्रोह का ही कार्य है। आइए जानते हैं, एक महिला है हमारे साथ ऐसी जुड़ी है, क्या कहना है इनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम। धन धन सतगुरु तेरे ही आश्रय में। क्या नाम है आपका? परमजीत जी। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े? वो टाइम से जुड़ी हैं जी, 10 साल हो गए हमारे को जुड़े हुए, पर अभी तक कभी भी किसी ने कुछ नहीं देखा। जो जाती हैं सभी मानता भलाई के काम कार्य करती हैं, हम वहाँ जुड़ी हुई हैं, नाम दाम पूजे पिताजी देते रहे हैं और अच्छे से अच्छे कार्य करवाते रहे हैं साथ संत को, जो है सेवा सभी भावना से करती हैं प्रेमी, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मीडिया ने काफ़ी कुछ दिखाया था गुरुजी के बारे में, डेरा वो तो झूठ है, वो तो बिल्कुल ही झूठ है, जो दिखाया है वो तो बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि ऐसे गुरु पूज्य गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो महिला थी और जो कोठे में नाचने वाली थी, उनको नरक से निकालकर आश्रम में लिया गया, उनको नामदान देकर उनकी शादियां भी करवाई गई उन और उनको नामदान भी दिया गया और अच्छे से अच्छा कार्य करवाया गया। गुरुजी पे जो आपका विश्वास है कितना है? बहुत ज़्यादा है गुरु से विश्वास, वो हम आप चंगी तरह से जान सकते हैं। जो विश्वास मेरे में है, मैं विश्वास आपका मैं आपको बताती हूँ। पहले मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पहले बहुत ही बीमार रहती थी, मेरे इस साइड में खब्बे साइड में द्रंग हो गया था और पूज्य पिताजी का मैंने नामदान ले लिया था और मैं जो बिल्कुल ही टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे को पिताजी पर पूरा अटल विश्वास था कि एक दिन पिताजी आएंगे और मेरे को बताएंगे कि ऐसे ठीक होना है। मैं नीचे ही पड़ी हुई थी कि 2:30 बजे का टाइम था और मैं बहुत रो रही थी और सिमरन कर रही थी, तो पिताजी ने गेट खड़काया, कहले परमजीत बेटा जी गेट खोलो। मैंने तभी जब ही गेट खोला तो पिताजी रिक्शे पर चिट्टे वस्त्र पहने हुए, टोपी पहने हुए, आगे पट्टी हरे पट्टी रख कर मेरे को बोले, खिल्लो का प्रसाद हाथ में लिया हुआ था और मेरे को बोले, बेटा अब तुम जे किलों का प्रसाद लेना और दवाई 3 महीने ले लेना, वो भी फरीदकोट जाकर दिखा लेना और 3 महीने ही दवाई खाना, आगे से दवाई मत खाना। मैंने बोला धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा पिताजी। मैंने बोला पिताजी मैं कैसे ठीक हो जाऊंगी? वो बोले पिताजी बेटा आप अच्छे हो जाओगे और हर हफ्ते पट्टे डाला करो। मैंने उसी तरह पिताजी का ये वचन मंजूर किया और आगे से मैं तंदुरुस्त रहने लगी, मेरे को और भी विश्वास होने लगा, अभी मेरे को बहुत विश्वास है। मैं हर दम नाम जपती हूँ और घंटा जब जपती हूँ तो मेरे को पिताजी का करिश्मा साक्षात मेरे नज़रों में आता है। अभी भी पिताजी हाजिर नाजिर होकर मेरे को देख रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी की आज के समय में समाज को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो बहुत ही दिल से कहती हैं पिताजी आप जल्दी आओ और जो
बुराइयां हैं इस समाज में, उनको भी दूर करो। जो कर रही है, कर चुकी है और करने वाली हैं, वो भी आकर आप देखो जल्दी से जल्दी हमारे पास, हमारे बीच आकर दर्शन दो। पिताजी आपसे यही अरदास बेनती है। धन धन सब तेरी यात्रा। अगर पिताजी समाज में आ जाते हैं, गुरुजी अगर समाज में आ जाते हैं, तो क्या क्या जो कुरुतियां हैं समाज से वो जा सकती हैं? जो लालच है, लोगों में लालच है, बुराइयां हैं, जो लोग एक दूसरे को अच्छा नहीं कही तो अच्छा नहीं समझते। प्रेमी तो बहुत ही प्यार करते हैं एक दूसरे को और अच्छा बनाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को अलग कर देती हैं, वो पिताजी जोड़ सकती है और कोई नहीं ऐसा काम कर सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से यही बेनती करना चाहते हैं, अपील करना चाहती हैं कि हमारे पूजने पिताजी का निर्दोष है और जल्द से जल्द हमारी बेनती है कि उन्हें बाहर निकाला जाए और हमारे बीच आकर वो दर्शन दे और सत्संग करने लगे। हमारे मन को बहुत ही शांति और प्रेमी भाइयों को भी बहुत शांति होगी। धन धन सतगुरु तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।